I'm Kirtalan and I'm from MP Applied Linguistics here, and I'm president of Literary and Cultural Society here, and I was in president of Debating Society and Dramatic Society as well. I have won about 12 All Pakistan competitions. Assalamu alaikum, my name is Rimra Batul and I'm the student of BS Zoology. 7th semester has been going on and I won around about 15 competitions of All Pakistan by representing this university. I also represented this university at Ramzan Transmission at A+ and ARY, and I also won All Pakistan. I'm Aisha Ashraf from BS Chemistry Department, 7th semester, and I have won many competitions during my school time, and as in college time I have managed so many events as an event manager and organizer. Dr. Smina, Department of Education ki head hu main. हमारी यूनिवर्सिटी फर्स्ट नंबर पर आई है विमेन यूनिवर्सिटी में. इससे पहले, और ये हमारे लिए ऑनर है, इससे पहले हमारी यूनिवर्सिटी की पोजीशन ऐसी नहीं थी. ये हमारी वाइस चांसलर के विजन और हमारी यूनिवर्सिटी फैकल्टी के टीम वर्क की वजह से है. कोऑपरेटिव टीचर्स हैं और जब हमारी ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं बहुत कोऑपरेट रही हैं हर टीचर हमारे साथ. मैं बहुत फख्र महसूस कर रही हूँ कि मैंने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी का रैंक फर्स्ट आया है और ये यूनिवर्सिटी बहुत ताबन करती है हमारे साथ. इंटरनेशनल सेमिनार जो है हमने क्लाइमेट चेंज के ऊपर करवाया. डिफरेंट 7 कंट्रीज से जो है हमारे पास पार्टिसिपेंट्स ने और रिसोर्सिस पर्सन ने इस सेमिनार को अटेंड भी किया और इसके ऊपर लेक्चर भी डिलीवर किए. वी हैव मोर देन 1000 स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन वेरियस डिग्री प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग BS, MSc, MPhil एंड PhD. वी आर ऑफरिंग ऑल दीज 4 प्रोग्राम्स. फर्दर मोर वी आर द बिगेस्ट डिपार्टमेंट रिगार्डिंग द फैकल्टी ऑफ द यूनिवर्सिटी. Further, the biggest department regarding the most productive department of the university. Different projects जो students के हैं वो हम different events में लेके जा चुके हैं. For example, theft detection Android based app है जो कि students ने बनाया है, और autonomous traffic control system है, blind man cap है. फिर है उसकी जिम्मेदारियाँ जो हैं वो मुझे सौंपी गई हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को हम बेहतरीन अकोमोडेशन देने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से उनको सिक्योरिटी, सेफ्टी और एक वॉर्म्स जो है वो दी जा सके और उनकी मॉरल ट्रेनिंग भी दी जा सके. हम लोग वाइस चांसलर के विजन के मुताबिक इस यूनिवर्सिटी में सोलर पैनलिंग करवाना चाह रहे हैं. सोलर पैनलिंग की वजह से ये है कि यूनिवर्सिटी में जो बिजली की कंजम्पशन है वो बहुत हद तक बिजली के बिल जो है वो कम हो जाएंगे. बीइंग अ डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स, मेरे पास 16 सोसाइटीज़ और क्लब्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स को भरपूर मौका मिलता है अपनी सलाहियतों को उजागर करने का, और मेरे ये तमाम ब्राइटली स्टार्स जो हैं यूनिवर्सिटी की बच्चियाँ मुख्तलिफ कंपटीशन जो नेशनल, नेशनल और प्रोविंशियल लेवल पर कंडक्ट हुए हैं उसमें यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करके आई हैं. माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब, आई एम वर्किंग एज PS2 वाइस चांसलर इन GCWUF यूनिवर्सिटी फैसलाबाद. आई हैव डन MS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम GCWUF गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद. सर, मैं डॉक्टर रुबीना फारूक हूँ, वाइस चांसलर GCWUF यूनिवर्सिटी फैसलाबाद. यहाँ आने से पहले मेरे 31 ईयर्स डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में काम किया है, वो यूनिवर्सिटीज़ जो पाकिस्तान में हैं, चाइना में और UK में. तो इन यूनिवर्सिटीज़ में मेरा मेजर फोकस रिसर्च एंड डेवलपमेंट था, और जिसमें अप्लाइड नेचर के रिसर्च प्रोजेक्ट्स किए हैं. इसमें 3 इन्वेंशंस ऐसी हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स में रजिस्टर्ड हैं USPTO में. इसके साथ मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम किया है और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में काम किया है, स्वीडन के साथ, USA के साथ और चाइना के साथ. और इसमें एक हमने प्लांट लगाया है वेस्ट टू इलेक्ट्रिसिटी. यूनिवर्सिटी को बने 7 ईयर्स हुए हैं. इन 7 ईयर्स में अब तक हमने 61 डिफरेंट BS, MS और PhD प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं. इन प्रोग्राम्स में जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं वो 17,000 के करीब हैं. ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से भी, और इसमें अभी तक हम 4 स्टूडेंट्स PhD ग्रेजुएशन करने वाले हैं. तो मतलब स्टूडेंट्स जो हैं उसमें 15 ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम हैं. जो GCWUF यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में हमने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए लास्ट वन ईयर में, जिसमें हमने ऑनलाइन एजुकेशन दी, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस मोड ऑफ
टीचिंग में स्टूडेंट्स को इस वक्त भी हम पढ़ा रहे हैं. इसके बाद हमने ऑनलाइन फाइल ट्रैकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया है. हमने सॉफ्टवेयर के थ्रू टाइम टेबल अरेंज किया. हमारे पास रूम्स की बहुत ज़्यादा कमी है, 78 ओनली रूम्स हैं और उन रूम्स में पर वीक 6000 हमें क्लासेस को एडजस्ट करना है. 6000 क्लासेस फिजिकली एडजस्ट करना इज नॉट ए पॉसिबल टास्क, तो हमने सॉफ्टवेयर बेस्ड टाइम टेबल भी इंट्रोड्यूस किया. उसके बाद हमने ऑनलाइन एडमिशन करते हैं. ऑनलाइन एडमिशन का पर्पज़ ये है कि मेरिट को इंटैक्ट रखा जाए. स्टूडेंट्स जो अपना डाटा फीड करें ऑटोमेटिकली मेरिट बनता जाए. ड्यूरिंग लास्ट ईयर जब मैंने यहाँ चार्ज संभाला तो यहाँ पे 14 लैब्स थी टोटल, तो हमने इन 14 लैब्स को 28 लैब्स में कन्वर्ट कर दिया. लैंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमें डोनेट की है, इस यूनिवर्सिटी को एलोकेट की है जो कि 400 एकड़ के करीब है. इसके लिए हमने मास्टर प्लानिंग की और 1.25 बिलियन का प्रोजेक्ट हमें मिला है, जिसके लिए हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बहुत शुक्रगुजार हैं. हमारे पास सर्विस स्टैट्यूट्स नहीं थे. उन सर्विस स्टैट्यूट्स का जब मैंने मिनिस्टर साहब से राजा यासर साहब से जिक्र किया तो ही इज़ वेरी काइंड और उन्होंने इसको फौरन टेक अप किया और उन्होंने अपनी निगरानी में दिन रात मेहनत करके इन सर्विस स्टैट्यूट्स को मॉडल सर्विस स्टैट्यूट्स में कन्वर्ट किया है. मॉडल सर्विस स्टैट्यूट्स उन्होंने 11 पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ को दिए हैं और हमारा वो काम जो कोई यूनिवर्सिटी 20-20 साल से पूरा कर नहीं सकती थी वो मिनिस्टर साहब की दिन रात कोशिशों से वो काम अब तकनील तक पहुँच गया है. हमने नए प्रोग्राम्स भी इंट्रोड्यूस इस दफ़ा किए हैं. उन प्रोग्राम्स में हम साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट और इसके अलावा लॉ के भी प्रोग्राम्स हैं जो अब इस साल हम शुरू करेंगे.